कटारिया ने पूरा कर दिया, शिवानी से किया अपना वादा, दिया ऐसा इनाम। खुद शिवानी बोली ये तो हो गया बहुत ज्यादा। देखकर अरमान मलिक और कृतिका की निकल गई जान। अपने गांव में कटारिया को देखकर शिवानी कुमारी हो गई हैरान। शिवानी के घर पहुंची कटारिया की गर्लफ्रेंड सना मकबूल ने भी लगा दिया फोन। सरप्राइज देखकर शिवानी को उड़ गए होश। न विशाल पांडे को खबर थी न शिवानी को पता था, तभी कटारिया ने बनाया ऐसा प्लान। सना मकबूल भी हो गई हैरान। कृतिका मलिक की निकल गई जान, अरमान से भी नहीं हुआ बर्दाश्त। उधर रणवीर शौरी ने कहा इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है। शिवानी कुमारी भी बेखबर थी, तभी लोकेश कटारिया की गर्लफ्रेंड शिवानी के घर पहुंच गई। देखकर शिवानी भी हैरान रह गई, सरप्राइज देखकर उड़ गए होश। दोस्ती और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, लोकेश कटारिया और शिवानी से सीखना चाहिए। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अरमान मलिक एंड फैमिली के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि अरमान मलिक ने वीडियो डालने भी कम कर दिए हैं। दूसरी तरफ शिवानी कटारिया की टीम को पूरे देश से प्यार मिल रहा है। बिग बॉस खत्म होने के बाद कटारिया ने ऐलान किया था कि वो शिवानी के गांव जाएंगे और कानों के झुमके और कंगन शिवानी को गिफ्ट करेंगे और राखी भी बंधवाएंगे। अपने प्लान के बारे में कटारिया ने न विशाल को बताया और न ही सना मकबूल को। चुपचाप सरप्राइज देने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शिवानी के पास पहुंच गए। अब ये तस्वीर देखिए, जब कटारिया शिवानी के गांव जाते हैं, जैसे ही शिवानी के घर में कटारिया पहुंचते हैं शिवानी भी हैरान रह जाती हैं। सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अक्सर बिग बॉस के रिश्ते उसी घर तक होते हैं, बाहर आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन बिग बॉस के घर में शिवानी और लोकेश का एक अलग रिश्ता था जिसे जनता ने खूब प्यार दिया। शो के अंदर शिवानी ने लोकेश को राखी भी बांधी थी, हमेशा एक दूसरे को भाई और बहन की तरह मानते थे और यही रिश्ता अब बाहर भी चल रहा है। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें शिवानी कुमारी लोकेश कटारिया के हाथ में राखी बांध रही हैं। इसके बाद कटारिया गिफ्ट में सोने के झुमके देते हैं। शिवानी कटारिया की गर्लफ्रेंड को भी माला पहनाती हैं। शिवानी के घर पहुंचने के बाद कटारिया सना मकबूल और विशाल पांडे को फोन करते हैं, जिसके बाद वो भी हैरान रह जाते हैं। इस दौरान विशाल और मकबूल शिवानी के गांव आने का वादा करते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर अरमान एंड फैमिली से बर्दाश्त नहीं हुआ। कृतिका मलिक ने सोशल मीडिया पर शिवानी के खिलाफ फिर से जहर उगला है और शिवानी को झूठी बता दिया है। एक वीडियो में कृतिका मलिक कहती हैं शिवानी गरीब दिखने का ढोंग करती है, जबकि वो बहुत ही चालाक अपने गांव के लोगों की जमीन हड़प लेती है। उसका घर भी अवैध बना हुआ है, पुलिस उसकी मदद करती है। मतलब कृतिका ने शिवानी को जमीन माफिया बता दिया है। इससे पहले अरमान की पहली पत्नी पायल तो पहले से ही शिवानी के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी है। बिग बॉस के अंदर भी अरमान मलिक हमेशा शिवानी का अपमान करता था, यही वजह कि कटारिया को शिवानी के गांव में देखकर अरमान फैमिली से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले नेजी ने भी शिवानी को फोन करके अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी थी। इसके साथ ही शिवानी के गांव आने के लिए भी कहा था। शिवानी कुमारी को राजपाल यादव के साथ एक फिल्म भी मिल गई है, जिसमें शिवानी को हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अरमान मलिक और रणवीर शौरी को अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुआ है। इधर नेजी और सना मकबूल को लेकर भी टी सीरीज एक गाना बना रही है। विशाल और कटारिया को सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में जाने का ऑफर मिला है, लेकिन अरमान और कृतिका को सिर्फ बाहर गालियां मिल रही हैं। कटारिया ने भाई वाला फर्ज निभाते हुए शिवानी के गांव पहुंचकर राखी बंधवाई है। किसी भी रियलिटी शो में ऐसा रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। लोग बिग बॉस में रिश्ता बनाकर बाहर आते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कटारिया और शिवानी को एक साथ देखकर सोशल मीडिया का पारा हाई हो गया है और फैंस बहुत ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। कटारिया और शिवानी को एक साथ देखकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रिश्ता इतना ही मजबूत और पवित्र होना चाहिए। वैसे शिवानी और कटारिया को एक साथ देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर लिखें।